अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और मुझे पता है कि मैं 2-3 दिन गायब था, और गायब इसीलिए था कि मुझे 2-3 ऐसे कमेंट्स मिले कि रोज़ वीडियो भाई, आप सब लोग की फरमाइश होती है तो मुझे वीडियो बनानी पड़ती है। ठीक है, अब इसमें मुझे कुछ नहीं है, बट मेरे को जो है 300-400 लोगों को पर्सनली इनबॉक्स में थोड़ा जवाब करना इज़ लाइक हार्ड हो जाता है, क्योंकि मेरी भी एक पर्सनल लाइफ है, घर में मतलब अम्मी अब्बू हैं, बाकी लोग हैं, दोस्त यार हैं, सबको टाइम देना पड़ता है भाई, और आप लोगों को भी टाइम देना पड़ता है, दैट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट जॉब। ठीक है, बट थैंक यू सो मच, सॉरी मैं बहुत ज़्यादा हिल रहा हूँ, आई डोंट नो, मैं अजान हो जाए फिर बात करते हैं। हम बात करे थे कि मैं बहुत ज़्यादा हिल रहा हूँ, बट खैर पॉइंट पे आते हैं, किस चीज़ के बारे में बात करनी है, कौन कौन से सवालात हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं, किन चीज़ों पे आप सबके लिए वीडियो बनाऊं, तो आई वुड लव दैट, मुझे भी थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। सम टाइम थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि मुझे किस चीज़ पे बात करनी चाहिए, किस चीज़ पे नहीं, क्योंकि बहुत सारों को अच्छा लगता है, बहुत सारों को नहीं अच्छा लगता, बट स्टिल आई वुड लव कि मैं आप लोगों की सुनूँ और आप लोगों की वीडियोज़, आप लोगों के कहने पर वीडियोज़ बनाऊँ। खैर, बैक टू द टॉपिक, सवालात ये आ रहे थे कि इंटरव्यूज़ की तैयारी क्या करनी चाहिए, किस तरह जो है इंटरव्यूज़ होते हैं, और किन किन एरियाज़ में आप जाके इंटरव्यूज़ करते हैं। फॉर सपोज़ आप कराची से, मतलब आप कराची में रहते हैं तो आपको इंटरव्यू कहाँ देने जाना होगा, आप लाहौर में रहते हैं तो आपको इंटरव्यू कहाँ देने जाना होगा, इस्लामाबाद में रहते तो कहाँ देने जाओगे, पेशावर में रहते तो आपको कहाँ देने जाना होगा। तो बेसिकली USCFP के अपने डिजिग्नेटेड ऑफिसेज़ हैं। फॉर सपोज़ हम बात करते हैं कराची की, तो सिंध पूरा जो है, पूरे सिंध की जब हम बात करें तो वो आते हैं कराची शहर में, सिंध के शहर कराची में इंटरव्यूज़ देने। तो जाम शोरों का बच्चा, नवाबशाह का बच्चा, लड़खाना का बच्चा, वो सब उनको इंटरव्यू देने के लिए कराची में आना पड़ता है। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है पेशावर, लाहौर वगैरह की। तो इस्लामाबाद में एक डेजिग्नेटेड ऑफिस बना हुआ है, तो बहुत सारे बच्चों को जो है इस्लामाबाद जाके उसका इंटरव्यू देना पड़ता है। तो बेसिकली ये थी इतनी 4-5 मिनट में ये छोटी सी मेन बात, जिसका बहुत बच्चे जो है सवाल पूछ रहे थे कि हम जो है इंटरव्यू देने कहाँ जाते हैं। तो बेसिकली आपने वही एरिया चूज़ करना है, और वो बेसिकली सिलेक्शन होती है, टाइम टू टाइम आपसे बात हो रही होती है, ईमेल्स होती हैं, कॉल्स होती हैं, सिलेक्शन लेटर्स आते हैं, तो ये सारी चीज़ों के दरमियान आपको पता चल जाता है। तो परेशानी की कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, आपने परेशान नहीं होना है, इंशाल्लाह सारी चीज़ें अच्छे से होंगी। दुआ करें ये कोविड की वबा जल्दी से ख़त्म हो जाए, ताकि हमारी चीज़ें और जल्दी प्रोसीड हों और ज़्यादा स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएँ। ठीक है, अब एंड द एंड थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए, और बहुत सारी दुआएं देने के लिए। और एट द एंड यही है कि इंशाल्लाह मैं वीडियोस बनाऊंगा बहुत सारी स्कॉलरशिप की वीडियो टॉपिक्स पे, क्या क्या स्कॉलरशिप्स होती हैं, बट पहले मैं उनको रीड करना चाह रहा हूँ, ताकि मैं पढ़ सकूँ, मुझे आइडिया हो सके, ताकि मैं उनकी जवाब आसानी से दे सकूँ। तो थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझसे बात करने के लिए, मुझे मैसेजेस करने के लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने पड़ोसियों सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।